हमीरपुर शहर के एकमात्र बाल वाटिका हीरानगर की हालत दयनीय बनी हुई है और गत कुछ दिनों से शरारती तत्वों के द्वारा सामान की तोड़फोड़ की जा रही है। साथ ही बाल वाटिका में लगाई गई सोलर लाइटों को चुरा लिया गया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी बाल वाटिका की हालत को सुधारने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए जाने से स्थानीय लोगों में भी गहरा रोष पनपा हुआ है। डीएफओ हमीरपुर की माने तो बाल वाटिका की हालत को सुधारने के लिए काम किया जा रहा है। स्थानीय युवा विकास शर्मा का कहना है कि शहर की एकमात्र बाल वाटिका हीरानगर ही है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिला प्रशासन सही कार्यवाही करके अच्छे ढंग से रखरखाव करे। सभी को पता है कि एकमात्र चिल्ड्रन पार्क हमीरपुर में है, जिसकी काफी समय से बहुत ही दयनीय हालत है। यहाँ की लाइटें लगाई गई हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं, झूले टूटे पड़े हैं। हम बच्चों को कभी कभी वहाँ लेके जाते हैं तो वहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी पूरी तरह नहीं है, खेलने के लिए कोई झूले वगैरह टूटे हुए हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि इसके ऊपर सही कार्रवाई करी जाए और जो पार्क बना है उसका रखरखाव अच्छे तरीके से होना चाहिए, ताकि बाहर के लोग भी आए और यहाँ के लोकल लोग भी इसका फायदा उठा सके। डीएफओ हमीरपुर प्रीति भंडारी ने बताया कि पार्क के विस्तार के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें पार्क की फेसिंग की जाएगी। इसके साथ ही पार्क में शौचालय व सुंदर गेट का निर्माण भी किया जाएगा। प्रीति ने लोगों से भी आह्वान किया है कि पार्क को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आगे आएं। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने लाखों रुपए की लागत से बाल वाटिका को तैयार करवाया है, लेकिन रखरखाव के अभाव में वाटिका में झूले टूटे हुए हैं, तो अब चोर सोलर लाइटों को भी चुरा कर ले गए हैं। चिल्ड्रन पार्क का, हाँ आपने सही कहा कि हालत खस्ता है, लेकिन अगर आप जाएंगे देखेंगे तो अब उसमें हमने थोड़ा काम शुरू कर दिया है, तो हम पार्क को थोड़ा एक्सटेंड भी कर रहे हैं, थोड़ी हमने फिलिंग की है। और साथ साथ तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने तकरीबन कोई 10 लाख के करीब जो है फंड्स जो हैं सेंक्शन करवाए हैं, तो उसके तहत एक प्लान जो है हम अपने लेवल पे अभी तैयार कर रहे हैं, तो उसका जो भी कार्य उसके तहत किए जाएंगे वो भी हम एक आध हफ्ते के अंदर जो है पार्क में शुरू कर रहे हैं। उसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि पहले की जैसा हम देख रहे हैं कि कई लोग गाड़ी लेके ही अंदर पहुंच जा रहे थे, अपने मोटरसाइकिल स्कूटर लेके, तो फेंसिंग की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं कि उसकी प्रॉपर फेंसिंग हो जाए, जो ट्रैक्स जो है टूट गए हैं उनका रिपेयर होगा, और लाइट्स जो हैं और वहाँ पे डस्टबिन बेंचेस जो कुछ भी वहाँ पे टूट चुका है तो उसका भी हम प्रॉपर रिपेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको एक एक मॉडल पार्क जो है हमीरपुर में हम बनाएं। इसलिए हम कार्रवाई करेंगे, ट्रेसपासिंग की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उस हर चीज जो भी कोई चीज है लोगों के सहयोग के बिना वो चीज जो है उसको हम संभाल के नहीं रख सकते। जो वहाँ पे मॉर्निंग वॉकर्स हैं, इवनिंग वॉकर्स हैं, साथ में जो लोग वहाँ पे आके व्यायाम वगैरह करते हैं, दिन को बच्चे आके बैठ के पढ़ते हैं, तो सबसे हमारा यही फिर निवेदन रहेगा कि वो भी ऐसे एलिमेंट्स की तरफ ध्यान दें, जब भी ऐसी कोई घटना या कोई ऐसा इंसिडेंट उनके ध्यान में आता है वो अपने लेवल पे भी कार्रवाई करें और हमको भी बताएं, ताकि उनके खिलाफ जो भी उचित कदम है वो उठाए जा सके। क्योंकि पार्क जो है वो सबका है, इस ऐसा नहीं कि आप किसी एक विभाग को बोल देंगे कि वही उसको देखेगा, ये एक हमें इसको एज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा, तभी ये जो पार्क है हमारा, ये जैसा मैंने बोला कि इसको हम मॉडर्न पार्क बनाना चाह रहे हैं हमीरपुर में, तभी जो हमारा एक वो सपना जिसको आप कहेंगे साकार, तभी हो पाएगा।